अगर आपने इस वीडियो में क्लिक करा है तो आप भी चाहते हो प्राइवेटली इंटरनेट ब्राउज करना। अब यहाँ पे मार्केट में आपको दो ऑप्शन दिखे होंगे, एक है डक डक गो और एक है ब्रेव ब्राउजर। आप दोनों में कंफ्यूज हो कि कौन सा हम यूज करें। अब इस वीडियो में पूरा क्लियर कर दूंगा कि आपको कौन सा ब्राउजर यूज करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, क्या इनके प्रोज है और क्या इनके कॉन्स है, दोनों कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आजकल जो आपके बेसिक ब्राउजर्स है ना, वो काफी अनसेफ से हो चुके हैं। अनसेफ क्यों बोल रहा हूँ, वो आपके ऊपर ट्रैकर लगाते हैं, वो आपकी पूरी हिस्ट्री ट्रैक करते हैं कि आप इंटरनेट में क्या देख रहे हो क्या नहीं देख रहे हो। तो सबसे पहला फीचर इसी के साथ आता है इनका, कि इन दोनों ब्राउजर्स में ना आपको कोई भी ट्रैकर देखने को नहीं मिलेगा, जिसके लिए आप मेनली इन ब्राउजर्स को यूज करोगे। तो सबसे पहले हम दोनों ऐप के बेसिक देख लेते हैं। तो डकडकगो आपको एंड्रॉइड और आईओएस में देखने को मिलेगी, मैक और विंडोज में आपको बस इसका एक्सटेंशन देखने को मिलेगा जो आप दूसरे ब्राउजर में लगा सकते हो। और साइड बाय साइड हम अगर ब्रेव को देखें तो ब्रेव आपको चारों प्लेटफॉर्म में देखने को मिलता है। मैक में भी देखने को मिल जाएगा आपको, आपको प्ले स्टोर में, आपको आईओएस में और आपको विंडोज में, सब में देखने को मिल जाएगा। इससे इसमें एक बेनिफिट देखने को मिलता है, सपोज आपने कोई बुकमार्क सेव किया अपने ब्रेव में तो आपको वो अपने हर प्लेटफॉर्म में देखने को मिल जाएगा, तो कंटेंट इसका काफी सिंक रहता है। तो ये एक पॉइंट ऐसे मिलता है ब्रेव को इसमें। और अगर हम इनका फाइल साइज देखें एंड्रॉइड फोन में, आपको मात्र 15 MB की देखने को मिल जाएगी डकडकगो, बट ब्रेव आपको थोड़ा हैवी देखने को मिलेगा, ये आपको 70 MB के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे डकडकगो काफी लाइट ऐप है और थोड़ी ब्रेव थोड़ी हैवी ऐप में आ जाती है। तो ये जो फाइल साइज का डिफरेंस है ना, आपको देखने को मिलेगा तब जब मैं इनके फीचर्स की बात करूंगा। डकडकगो में आपको थोड़े लिमिटेड फीचर्स देखने को मिलेंगे, बट ब्रेव में आपको थोड़े ज्यादा फीचर्स देखने को मिलेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि डकडकगो बेकार है और ब्रेव अच्छा है, पूरा कंपैरिजन देखना तभी आप जज कर पाओगे कि कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब यहाँ पे सबसे मेजर फीचर की बात करते हैं जो ब्रेव ब्राउजर टेबल पे लाता है, वो क्या है, इसका एड ब्लॉकर। इसका एड ब्लॉकर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको कोई भी वेबसाइट में एड देखने को नहीं मिलेगी इसमें। और अगर हम साइड बाय साइड देखें डकडकगो को, तो उसमें आपको थोड़ी एड्स देखने को मिलेंगी, वो नॉर्मल ब्राउजर की तरह एक्ट करता है। अब आपके सामने मैंने साइड बाय साइड तीनों ब्राउजर में ऐप खोली है, एक है क्रोम, एक है डकडकगो, एक है ब्रेव, और आप देख सकते हो कितना इंटरफेस में डिफरेंस है वेबसाइट की। ब्रेव में आपको ब्लैंक दिख रहा है जहां ऐड आ रही है, और दोनों ब्राउजर में आपको दिख रहा है वहां ऐड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेव इसमें एक लीड लेता है यहाँ पे। यहीं से आपको ब्रेव का एक और बेनिफिट देखने को मिलेगा, वो क्या है, जब भी एड लोड होती है ना तो आपको ब्रेव में थोड़ा कम डाटा लगेगा और वेबसाइट थोड़ी ज्यादा फास्ट खुलेंगी। तो ये ब्रेव के फायदे आपको देखने को मिल रहे हैं। बट अब यहाँ पे हम उस चीज की बात करेंगे जिसके लिए आपने वीडियो खोली है, वो है प्राइवेट ब्राउजिंग। अब प्राइवेट ब्राउजिंग में क्या है, अब डकडकगो का एक आपको फीचर बताता हूँ, फीचर नहीं है उसका प्रोडक्ट है। अब डकडकगो का ना खुद का एक सर्च इंजन देखने को मिलता है जो कि काफी ज्यादा सिक्योर है। तो यहाँ पे आपको डकडकगो सर्च इंजन का एक फैक्ट बताता हूँ। अमेरिका में ना जो मोबाइल डिवाइसेस है उसमें डकडकगो सेकंड नंबर पे आता है मोस्ट पॉपुलर लिस्ट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया में भले इतना यूज नहीं कर रहे हैं, बट बाहरली कंट्रीज में लोग इसे बहुत प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि ये आपको प्राइवेट ब्राउजिंग ऑफर करता है यहाँ पे। और जो सर्च इंजन है आप दोनों ब्राउजर में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, गूगल से आप चेंज करना, आपको डकडकगो देखने को मिल जाएगा सेलेक्ट करना। अब ये सिक्योर क्यों है इनका सर्च इंजन, एक्चुअली कुछ भी ट्रैक नहीं करता। जब आप गूगल करते हो ना तो गूगल उसका पूरा डाटा कलेक्ट करता है, आप देख भी सकते हो गूगल का पूरा डाटा होता है कि कौन से ईयर में किसने क्या चीज सर्च मारी, तो आपको पूरा डाटा ले रहा है और एनालिटिक्स बनाता है वो पे। और आपने फिर नोटिस किया होगा कि आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक और वेबसाइट में ऐड देखने को मिल रही है, वही ऐड जो आपने सर्च किया था। मान लो आपने स्पोर्ट्स शूज सर्च मारे थे तो आपको स्पोर्ट्स शूज की ऐड देखने को मिलेगी, तो आपका डाटा यहाँ से यूज होता है ऐसे करके यहाँ पे। तो इस पॉइंट से मैं आपको एक कंक्लूजन देता हूँ, अगर आपको एकदम सेफ ब्राउजिंग करनी है तो क्या करना, इन दोनों में से कोई ब्राउजर यूज करना, और दूसरा क्या करना है आपको डकडकगो सर्च इंजन यूज करना है, तो आपकी जो ब्राउजिंग होगी वो काफी सेफ रहेगी। और ज्यादा ही सेफ करनी है तो आप वीपीएन को भी यूज कर सकते हो साथ में। और अगर ज्यादा ही सेफ करनी है तो आप टॉर ब्राउजर को यूज करना, वो तो एकदम आपको अल्टीमेट सिक्योरिटी दे देगा। बट इतनी सिक्योरिटी आपको क्यों चाहिए वो मुझे नहीं पता। तो इसके बाद मैं डकडकगो के फीचर की बात करना चाहता हूँ। सपोज आपने कोई वेबसाइट ना सर्व करी, आपको किसी को नहीं बताना कि आपने वो वेबसाइट में क्या किया, जो भी वेबसाइट थी, तो क्या होता है आपको अपनी जो है कुकीज डिलीट मारनी पड़ती है, डाटा डिलीट मारना पड़ता है जाकर। इसमें क्या है, इसमें आप बस आपको एक फायर बटन दबाना है और यहाँ से बोलेगा क्लियर ऑल टैब्स एंड डाटा, तो यहाँ से वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा और कोई भी प्रूफ नहीं रहेगा कि आपने वो वेबसाइट को यूज़ किया था। तो ये मुझे काफ़ी हैंडी फीचर लगा। और इसका आप एनिमेशन वगैरह भी चेंज कर सकते हो, अगर आपको फायर पसंद नहीं आई तो सेटिंग में जाना और सेटिंग में आप देख सकते हो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो इसके एनिमेशन को भी। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ लगी मुझे, मतलब एनिमेशन पे ये चीज़ ध्यान दे रहे हैं। और बाकी आप सेटिंग में देख सकते हो, आप ऐप आइकन भी अपनी चेंज कर सकते हो, जैसे आपको ऑरेंज कलर नहीं पसंद तो आप येलो, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, ब्लैक या थोड़ा ब्लैकिश टाइप लगा सकते हो यहाँ पे, ऐसा बैक चलते हैं। और यहाँ पे इसका है कि आपको थीम कौन सी चाहिए, आप यहाँ से सिस्टम में डिफॉल्ट कर सकते हो, लाइट मोड, डार्क मोड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और यहाँ से आप इसको डिफॉल्ट ब्राउजर भी बना सकते हो अगर आपको बनाना है तो।
ऐसे फीचर्स आपको ब्रेव में देखने को नहीं मिलते। ब्रेव में आपको उसका कोई आइकन चेंज नहीं होता या ब्रेव में ऐसा कोई फायर बटन नहीं मिलता। ब्रेव में आपको मैनुअली अपने डाटा को डिलीट मारना पड़ता है, टैब्स को क्लोज करना पड़ता है। वहाँ पे आप ऑब्वियसली इनकॉग्निटो मोड तो यूज़ कर ही सकते हो, उसका आप क्लोज करोगे तो आपके जो भी टैब्स होंगे और जो भी आपका डाटा होगा वो चला जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको ब्रेव ब्राउजर का एक फीचर बताना चाहता हूँ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है। इसमें क्या है, जैसे मैंने बताया आपको एड्स नहीं देखनी है तो एड्स वो नहीं दिखाएगा, बट इसमें ऑप्शन है कि आपको ब्रेव ब्राउजर की इनबिल्ट एप्स देखने को मिलेंगी। आप बोलोगे मैं एड्स क्यों देखूं, ये आपको रिवॉर्ड देता है। रिवॉर्ड किसमें देता है, क्रिप्टो करेंसी इनकी बैट करके BAT, उसमें रिवॉर्ड्स देखने को मिलते हैं आपको। तो अगर आपको थोड़े रिवॉर्ड्स कमाने हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो मेरे पास अभी 0.250 बैट कलेक्ट हो चुका है जिसकी वैल्यू है $0.37। तो यहाँ पर देख सकते हो मतलब इतना कोई रिवॉर्ड अच्छा खासा नहीं है बट एक्स्ट्रा ही है ये। तो अगर आपको अपना यूज़र एक्सपीरियंस थोड़ा एड से भरना चाहते हो और थोड़ा रिवॉर्ड कमाना चाहते हो तो इस फीचर को ऑन कर देना, आपको थोड़ा मोटा प्रॉफिट तो मिल जाएगा। बट इस रिवॉर्ड को निकालने के लिए आपको अपने बाइनेंस का अकाउंट होना चाहिए। बाइनेंस एक ऐप है क्रिप्टो करेंसी की, तो तभी यहाँ से वो लिंक होगा और अपना जो आपको रिवॉर्ड मिला है वो आप निकाल सकते हो। और ब्रेव ब्राउजर को जब आप यूज़ करोगे ना तो आपको एक फील आएगा, एक क्रोम की तरह दिखेगा आपको, पूरा आपको सेटिंग्स वगैरह पूरी लुक एंड फील क्रोम की दिखेगी। क्यों, क्योंकि ये क्रोमियम पे बेस है, मतलब जो बेस है ना क्रोम का और इसका बेस एकदम सेम है, तो आपको जो इंटरफेस है आपको क्रोम वाला ही देखने को मिलेगा, तो आपको थोड़ा ईजी रहेगा यूज़ करना। और यहाँ पे आपको प्राइवेसी स्टैट देखने को मिल सकते हैं जहाँ की इसमें लिखा है कि कितने इन्होंने ट्रैकर ब्लॉक किए हैं, एड्स ब्लॉक किए हैं। तो इन्होंने अभी तक मेरी 12,000 एड्स को ब्लॉक किया है और एस्टिमेट 17 MB मेरे बचाए हैं और टाइम सेव किया है वो है 10 मिनट का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इतना मैंने टाइम सेव किया इसे यूज़ करके आप भी अपना टाइम सेव कर सकते हो। तो इसके साथ साथ मैं यहाँ DuckDuckGo के एक फीचर की बात करना चाहता हूँ जो कि वेबसाइट को ना रेट करता है। अब रेट करने का क्या मतलब है, जैसे यहाँ फेसबुक खुला है ना तो अभी यहाँ पर साइड में देख सकते हो C+ लिखा है, इसका क्या मतलब है हम खोल के देखेंगे। यहाँ पे जैसे खोलेगा तो इसने रेट करा है कि इसमें कितने ट्रैकर हैं, जो भी क्या भी इससे सिक्योरिटी इशू लग रहे हैं। इसमें फिलहाल अभी 0 ट्रैकर हैं क्योंकि मैंने अभी लॉगिन भी नहीं किया है, तो अभी क्या ही ट्रैक करेगा ये फेसबुक। बट अगर आप कोई न्यूज़ वेबसाइट खोलोगे या कुछ भी खोलोगे तो उसमें दिखाएगा कि आपको ये ट्रैक कर रहा था और इतने इतने ऐड ब्लॉक करे। तो यहाँ पे अगर अच्छी वेबसाइट होगी तो वो A या A+ पे जाएगा, अगर कोई बेकार वेबसाइट होगी तो सी जैसे दिख रहा है आपको, सी से भी नीचे पहुँच जाएगा, डी में पहुँच जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, आपको जब पता लग जाएगा कि कौन सी वेबसाइट आपका कितना डाटा ले रही है। तो अब यहाँ पे इस वीडियो के कंक्लूजन पे आता है कि जो मैंने पूरा डाटा बताया आपको तो उसका कंक्लूजन क्या है। तो अगर आपको डेली यूज में ही प्राइवेट ब्राउजिंग करनी है क्योंकि उसमें आप लॉग इन कर सकते हो और जो आपका बुकमार्क वगैरह सेव हो जाते हैं, तो जैसे आप क्रोम यूज करते हो ना इसे यूज कर सकते हो। बट आपको कभी कभी ना जो यूज करते हो प्राइवेट ब्राउजिंग वो यूज करनी है तो आपको DuckDuckGo भी अच्छा रहेगा आपको। बट उसमें मैं जैसे बताया आपको एड्स देखने को मिलेंगी, तो उससे जो आपका यूजर एक्सपीरियंस थोड़ा खराब हो सकता है। तो ब्रेव आपका पूरा कंप्लीट पैकेज बन रहा है इन सब में। तो बस इतना ही था इस वीडियो के लिए, होपफुली आज के बाद आप सेफली इंटरनेट ब्राउज कर पाओगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर से करना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप कौन सा ब्राउजर यूज कर रहे हो इस समय। और अगर चैनल पर नए हो और ऐसा कंटेंट देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।